हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहाँ पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट है और अपना पासबुक अपडेट करवाने के लिए बार बार आपको अपने ब्रांच का चक्कर लगाना पड़ता है, और साथ ही क्या आपके पास एक स्मार्टफोन है तो अब आपको अपने ब्रांच के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पासबुक अब आप अपने मोबाइल में घर बैठे ही देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको पीएनबी एम पासबुक में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पीएनबी एम पासबुक में रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप तुरंत अभी अगले 2 मिनट के अंदर अपने पीएनबी बैंक अकाउंट का पासबुक अपने मोबाइल में देख पाएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में चले जाएं और वहां पर पीएनबी एम पासबुक का जो ऐप होता है उसको इंस्टॉल कर लें। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करें। अभी आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आगे के ऑप्शन आप जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में आपको आपका कस्टमर आईडी मांगा जाएगा, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट का कस्टमर आईडी है जो आपको आपके पासबुक में आसानी से मिल जाएगा, उसको यहाँ पे पूरा का पूरा कस्टमर आईडी एंटर करें। उसके बाद इसी पेज के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए उस बॉक्स को टिक कर दें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। इतना प्रोसेस करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में पीएनबी की तरफ से एक एसएमएस आ जाएगा, जिसमें आपको एक 4 डिजिट का ओटीपी लिखा हुआ मिल जाएगा, और इस अगले प्रोसेस में भी आपको वही ओटीपी मांगा जाएगा। तो आपके एसएमएस में आए हुए 4 डिजिट ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर दें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। अगले स्टेप में आपको एक 4 डिजिट का एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। ये वही पिन होगा जिसकी सहायता से आप अपने पीएनबी एम पासबुक को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट का एक नंबर आप सोच ले जो आपको याद रख सके इन फ्यूचर, और उसको सेट एम पिन वाले चारों बॉक्सेस में एंटर कर दें। उसके बाद सेम एम पिन को आपको कंफर्म एम पिन वाले बॉक्सेस में एंटर कर देना है, और जब आप दोनों ही जगह पर अपना एम पिन एंटर कर दें तो सेट एम पिन वाले लिंक पर क्लिक करें। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना एम पिन सेट कर लिया है और इसी एम पिन का यूज करना है आपको अपने एम पासबुक को लॉगिन करने के लिए। ओके बटन पर क्लिक कर दें। अभी आपको अपना एम पासबुक लॉगिन करना है। इसके लिए आपने पिछले स्टेप में जो भी 4 डिजिट का एम पिन बनाया था उसको एंटर करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। याहू, आप अपने एम पासबुक में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स दिखाए जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पे बैलेंस भी दिखाया जाएगा जो भी आपके बैंक अकाउंट में है। अभी आगे आपको अपने बैलेंस में क्लिक करना है। जैसे आप बैलेंस में क्लिक करेंगे तो आपको 2 तरह के ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जहाँ पे आप अपने डिटेल्स देख सकते हैं बैंक अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहला है मिनी स्टेटमेंट और दूसरा है डिटेल स्टेटमेंट। अगर आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस देखने हैं तो मिनी स्टेटमेंट के यहाँ पे बटन पर क्लिक कर दें। आपको यहाँ पे लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस क्रेडिट और डेबिट सब मिला के दिखाई देंगे। अगर आपको स्पेशली किसी ट्रांजेक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उस ट्रांजेक्शन में क्लिक करें, उसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आपको अपने अकाउंट का डिटेल स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पे फ्रॉम डेट को सिलेक्ट कर लें और टू डेट को सिलेक्ट कर लें, जहाँ से जहाँ तक का आपको डिटेल स्टेटमेंट देखना है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेट्स हैं उसमें 90 डेज से ज़्यादा का ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और जब डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो डिटेल स्टेटमेंट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका बैंक अकाउंट का डिटेल स्टेटमेंट खुल जाएगा, पिछले जितने भी डेट का आपने सेलेक्ट किया है। आप ऊपर में ध्यान देंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड करने का, यहाँ से आप ये डिटेल स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है मेल का ऑप्शन, तो अगर आपने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवा रखा है अपने बैंक अकाउंट में तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको आपका डिटेल स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी में भेज दिया जाता है। और साथ ही लास्ट है फिल्टर का ऑप्शन, जहाँ से आप इस डिटेल स्टेटमेंट को फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने पीएनबी का पासबुक अपने मोबाइल में घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें। और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।